चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें दो तीन चीजें आती है करने के लिए। एक मेजर पार्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड मेजर पार्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए बेसिकली क्या है कि अगर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अगर एक पॉइंट पी हमने लेना है बीच में, जो एक कंडीशन बना रहा हो एपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, एपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। सेक्शन फॉर्मूला में क्या दिया है, एपी अपॉन बीपी इक्वल्स टू एम इंटू एम इज टू एन। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो साइड और ये जो साइड है, इसका रेशियो क्या है, एम इज टू एन है। ये जो साइड बोल रहा हूं मैं, लेंथ, ये एपी और ये बीपी, इस लेंथ का रेशियो क्या है, एम इज टू एन। तो अगर आपको पूछा है कि ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, वो तीन लाइन हम जनरली कब लगाते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो पार्ट है एपी, इसका रेशियो कितना है, एम। तो इसका अगर रेशियो एम लिया, ये किस तरफ है, ए के तरफ, तो इसके साथ क्या करना है, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है। तो एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। और वही सेम चीज अगर आप वाई के लिए भी करेंगे, सेम वही, इधर का रेशियो एम लिया, यहां का कोऑर्डिनेट एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो हमें क्या करना था, सेक्शन फॉर्मूला से बीच के एक पॉइंट का, ये बीच का पॉइंट है ना, एग्जैक्टली सेंटर नहीं है, कोई तो भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो उसके लिए ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। क्लियर है? अब सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला कब के लिए, वेयर पी इज द मिड पॉइंट। तो जब पी मिड पॉइंट है, तो एपी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू एम एस टू एन इज वॉट, वन अपॉन वन। मिड पॉइंट है मतलब क्या कर रहा है, दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल। मतलब क्या हो गया, ये हमारा एम बाय एन रहता है, तो एम भी वन हो गया और एन भी वन हो गया। तो अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एम वन लिया तो क्या आ गया, एक्स टू, एन वन लिया तो क्या आ गया, एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कितना होगा, वन प्लस वन इज। उसी तरीके से वाई टू प्लस वाई वन अपॉन एम प्लस एन इज टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, मिड पॉइंट वाले पॉइंट के। पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। क्लियर है क्या सबको, पक्का? तो ये दो चीजें हो गई, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है?
एक बहुत सिंपल से एग्जांपल में हम सेक्शन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6, 3। तो हमें एक पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट 6, 3 और -4, 5 लाइन सेगमेंट विच जॉइन 6, 3 एंड -4, 5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। अब आप बोलोगे सर रेशियो 3:2, तो हमने यहां 3 यहां 2 लिखा या फिर यहां 3 यहां 2 लिखा, हमको तो दिया नहीं है एपी अपॉन बीपी करके तो दिया हुआ नहीं है, तो हम कैसे लिख रहा। तो आपको पहले कौन सा पॉइंट दिया है 6, 3 और रेशियो में पहला रेशियो क्या दिया है 3, तो 6, 3 की तरफ वाला रेशियो 3 रहेगा और वही -4, 5 की तरफ वाला रेशियो 2 रहेगा। क्लियर है क्या सबको? अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 × -4 + 2 × 6 / 3 + 2 क्या क्या 3 × -4 + 2 × 6 / 3 + 2 कॉमा 3 × 5 + 2 × 3 / 3 + 2 3 × -4 = -12 + 12 / 5, 15 + 6 / 5 -12 + 12 = 0 / 5 = 0 15 + 6 = 21 / 5। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है आपको? शायद नहीं, किसी का कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? तो ये अभी हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कैसे अप्लाई करते हैं बहुत सिंपल से केस में देखा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना था, वैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट कैसे निकालना है वो हमने देखा। अब इसके भी अगेन जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में केसेस देखे, अलग अलग केसेस के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला में भी देखेंगे अलग अलग केसेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से केस के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। क्लियर है सबको?